प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है, इसलिए 14 फरवरी से 7 दिन तक शहीदों के सम्मान में मौन रहकर हम यथार्थ तथ्य देश के समक्ष रखने को आज मजबूर हैं। जो कांग्रेस पार्टी के बयान बहादुरों की बकवास मंडली है, इसको एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। हमारे सुरक्षा बल पूरी मजबूती के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ उन तमाम ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे काम कर रहे हैं। इस बीच में पुलवामा के बाद जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदी शाह की जोड़ी को आतंकवाद पर राजनीति करने की बुरी आदत है। हम देश को याद दिलाना चाहेंगे कि जब मुंबई 26/11 का आतंकी हमला चल रहा था तो उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आतंकी हमले के स्थान के पास सरकार की आलोचना करने वाली एक प्रेस वार्ता को का उद्बोधन कर रहे थे। क्या ये मालूम है उनको कि 2014 से पहले क्या होता था? कभी जो है बम्बई में आतंकवादी हमला हो रहा होता था, तो कभी दिल्ली में हो रहा होता, तो कभी संकटमोचक मंदिर पे हो रहा होता था, कभी अक्षरधाम पे हो रहा होता था, तो कभी मक्का मस्जिद में हो रहा था, तो कभी अजमेर में हो रहा था। आज जो है वो उन आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी जी ने सिमटा दिया है। आतंकवादी आज देश के किसी हिस्से में अपनी शैतानी हरकतों को करने में कामयाब नहीं हुए हैं, और जहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की है कश्मीर में या कश्मीर के इर्द गिर्द, उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मिला है। शहीदों और शहादत के अपमान का जो उदाहरण श्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद पेश किया, ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं। जब पूरा देश 3:10 पर पुलवामा में हमारे शहीदों के बम से उड़ाने के सदमे से जूझ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री इस अमानवीय कार्य में लगे थे, अपने प्रचार और प्रसार की फिल्म की शूटिंग वहां पर कर रहे थे। इन्हीं को भेज दो बॉर्डर पे। ये जो कांग्रेस पार्टी की जो बकवास मंडली, बयान बहादुरों की बकवास मंडली, कदर जाके आप देखो सर, एक और लोगों में गुमराही पैदा कर रहे हो। सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का काम करना बंद होना चाहिए।